हे गाइस, देखो सभी आपको सभी कुछ पता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट दिया जा रहा है, क्योंकि अपडेट आया है तो अपडेट देना तो पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, लगभग सरकार ने एक मतलब एक खबर लाई थी कि लगभग 78,000 करोड़ है ये करोड़ लगभग हम देंगे आपको पीएलआई स्कीम, जितना बेनिफिट उठाना है उठा लो। मैं आपको बता दूं, केवल इसी चीज के वजह से मैं आपको दिखाऊं तो छोटी छोटी कंपनी है क्या मल्टी वगैरह रिटर्न दिया है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। केवल ये खबर आते ही लगभग स्टॉक बहुत मतलब रॉकेट से भी तेज भागना स्टार्ट कर दिए, इतना तेज था वो। उन कंपनियों ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब दो कंपनियों का नाम आया है, दो कंपनियों का नाम आया है। मैं आपको नाम बताऊंगा, समझ रहे हो, कंपनी का नाम दिखाऊंगा, शेयर का सब कुछ दिखाऊंगा, प्राइस वाइज दिखाऊंगा। उस कंपनी ने, मैं आपको बोलूंगा, कुछ बड़ा किया है। अब आने वाले दिन में वो कंपनी कितना बड़ा रिटर्न निकाल के दिखा सकता है, लगभग मैं ना ये वर्ड से आपको नहीं बोल सकता यहाँ पर, क्योंकि भाई बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। पहला देख लो, ये कंपनी रॉकेट बन चुकी है। इसका चार्ट पैटर्न देख रहे हो, मतलब पता ही नहीं चल रहा ये रॉकेट लॉन्च हो रहा है या फिर क्या हो रहा, समझ रहे हो ना। एक लैंड होता है, टेक ऑफ होता है, भाई समझ में आता है, धीरे धीरे चीज जाती है, धीरे 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 ऊपर जाता है, समझ में आ रही है ना। हाँ, टेक ऑफ हो रहा, लेकिन भाई इसको टेक ऑफ से मतलब नहीं है, ये तो सीधा मतलब देखोगे तो सीधा मतलब आसमान चीर के ऊपर जा रहा। ऐसी क्या खबर हो गई? तो भाई सरकार ने यहाँ पर जो 78,000 करोड़ का, ये शायद 82,000 करोड़ का जो लगभग सरकार ने ये जो खबर लगी है, जिसके कारण ये कंपनी लगभग रॉकेट बन गई। कंपनी मैं आपको दिखा दूँ, ASM टेक्नोलॉजी, सही है। लेकिन इस कंपनी, ये कंपनी करती क्या है, मैं आपको बता दूँ, सेमी कंडक्टर के लिए कंपनी काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी है ना, मैं बता नहीं सकता, सही है। इतनी छोटी कंपनी, इस वजह से इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो ये सारे जंप जो आपको देखने को मिले हैं केवल सेमी कंडक्टर की वजह से हुए हैं। नहीं, इस कंपनी में भी क्या ऐसी खबर आ गई जिसके कारण ये स्टॉक भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, समझ लो। ये कंपनी भी मैं आपको बता दूं, ये कंपनी भी लगभग सेमीकंडक्टर के लिए काम करती है। देखो मैं ये छोटी छोटी वाली कंपनी बता रहा हूँ, बड़े बड़े वाले कंपनी तो ऑलरेडी बेनिफिट दे रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो तो मैंने आपको केवल एक डेमो दिखाया था, आते हैं मुद्दे की बात पर। देखो भारत में अब लगभग जो सेमीकंडक्टर जो है एक लो प्राइस में आपको बनते हुए दिखाई देगा। अब ये भारत में पहली बार ऐसे हुआ है जो साइंटिस्ट ने करके दिखाया है। अब ये कौन है तो मैं आपको आपको बता दूं, तो ये लगभग टाटा ग्रुप के लिए ये किया जा रहा है, समझ लो। ये टाटा ग्रुप है, देखो सेमीकंडक्टर के लिए दो ही कंपनी भारत में सबसे तेजी से सामने आई है, एक वेदांता और एक टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप है तो भाई टाटा ग्रुप में कौन सी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के लिए काम करेगी और कौन सी कंपनी है जो बेनिफिट देगा, वही दो रीजन जानना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा टाटा इंस्टीट्यूट फंड, यहाँ देख सकते हो टाटा इंस्टीट्यूट आपको बताया जा रहा, समझ लो, फंडामेंटल रिसर्च। तो ये टाटा ग्रुप ने किया है और ये लगभग पूरे भारत में बहुत सस्ते प्राइस पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और हम जो है आजकल के डेट में लगभग जो है ग्लोबल हब बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ये वही सेमीकंडक्टर है, ये वही चीप है जिसके शॉर्टेज की वजह से पूरे ऑटो सेक्टर में तहलका मच जाता था, 30% का गिरावट देखने को मिलता था लगभग। उसके बाद से जितने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उधर गिरावट देखने को मिलता था हर जगह, और ये जो इसके शॉर्टेज की वजह से मैं आपको बता दूं पूरे हमारे भारत के मार्केट में गिरावट देखने को मिलता था। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हमारी इकोनॉमिक में कितनी बड़ी, इसका एक छोटी सी चीज़ की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम होता हुआ, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ नहीं है। अब जब टाटा ग्रुप अगर ऐसी काम कर रहा तो भाई देखो, और टाटा ने ये भी बोला है कि लगभग ये कंपनी में और भी बहुत ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, और गवर्नमेंट ने यहां पर इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया, जहां पर आपको बताया जा रहा टाटा ग्रुप से की तरफ से 2,30,000 करोड़ के आसपास जो है ये भारत में लगभग जो है पूरे ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार ने ये सारी चीजें की है। और टाटा ग्रुप में इस कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है, टाटा इलेक्सेल लिमिटेड को, क्योंकि यही कंपनी जो है सेमीकंडक्टर के लिए काम कर रही है चारों तरफ से, मैं आपको बोलूंगा। और टाटा मोटर के लिए भी यही कंपनी, मैं आपको बोलूंगा, कि सारा काम करके देती है। टाटा मोटर के जो बड़े बड़े ब्रांड है, जैगवार, लैंड रोवर, मैं आपको बता दूं यही कंपनी है जो लगभग टाटा ग्रुप को खुद ही सारी चीज़ें डिजाइन करके देती है, मॉडिफाई करके देती है, कोई न्यू जनरेशन का है, मतलब सारा काम ये खुद ही करती है, समझ लो। और इतनी अच्छी तरीके से ये काम करती कंपनी, तो बाहर वाले जो कंपनी है वो भी यहाँ पर ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिए हैं। अब जब टाटा मोटर को नुकसान होता था तो मैं आपको बता दूं टाटा मोटर को जो पूरी तरीके से हेल्प करने वाली कंपनी यही थी टाटा ग्रुप में। देखो टाटा ग्रुप है खुद ही मतलब बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ टाटा ग्रुप खुद ही कर लेता, समझ लो। तो टाटा इलेक्सी में ध्यान रखें, ऐसे तो लगभग मैं आपको बता दूं लंबे समय में इस कंपनी का कोई मतलब काउंटिंग है ही नहीं, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। ऐसे भी यहाँ पर वेदांता कंपनी ने निकमट नाम की एक कंपनी को अक्वायर कर लिया है, और ये कंपनी लगभग मैं आपको बता दूं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनती जा रही है वेदांता। ये कंपनी को, जिस निकमट कंपनी को अक्वायर किया है, समझ रहे हो, निकल को, तो ये क्या है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी कंपनी थी, बैटरी के जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, रॉ मटेरियल, ये कंपनी मतलब बनाने में मतलब एक तरीके से मैं आपको बोलूंगा तो महारत हासिल कर रखी है ये कंपनी ने। और जितने भी लिथियम आयन बैटरी वगैरह होती है सब काम यही करेगी, और लगभग ये कंपनी बैटरी में या सेमी कंडक्टर में या सारी चीज़ों में, मैं आपको बोलूँगा, वेदांता भी पीछे नहीं रहने वाला। वेदांता ने बोला है कि भाई इनका जो मिशन है ना, लगभग भारत को सेल्फ रिलाय, यहाँ पर जो है लगभग मैं आपको बोलूँगा डिपेंडेंट बनाना है, जो कि लगभग ये कंपनी जो है लगभग कार्बन को हटाने में हेल्प करेगी। कैसे करेगी भाई ये, क्योंकि ये कंपनी देखो कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि ये कंपनी देखोगे तो बैटरी बनाती है, समझ रहे हो, किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाती है।
तो इस कंपनी ने अक्वायर कर लिया है पूरी तरीके से कंपनी को, समझ रहे हो। और उसके बाद कंपनी को अक्वायर करने के बाद उस कंपनी में बहुत बड़ा पैसा भी खर्च करने वाली है वेदांता ग्रुप। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग ऑलरेडी वेदांता ग्रुप ने बोल रखा है कि 60,000 करोड़ के आसपास भाई हम पैसा खर्च करेंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर, और 10% का डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। और लगभग मैंने तो आपको एक या दो नमूने ही बताए जो अभी मैंने आपको दिखाया, दो कंपनी जो रॉकेट की तरह भाग रही है। ऐसे मैं आपको बता दूँ बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स भी है, मल्टीपल स्टॉक्स भी है जो लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि ये एक नया अपॉर्चुनिटी है। आज से लगभग देखोगे तो लगभग 5 साल पहले पावर सेक्टर वाले स्टॉक चलते थे क्या? नहीं चलते थे। आज से ठीक 5-10 साल पहले अगर देखो टेक्सटाइल वाले कंपनी कुछ खास रिटर्न देते थे क्या? नहीं देते थे। तो ये क्या हो रहा है कि देखो आज कल के डेट में सारी चीज़ हो रही है। पहले हम क्या होता था कि इंडिया के ऊपर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, आजकल के डेट में देखोगे तो चाइना के जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं तो वहाँ पर मतलब कुछ ऐसी खबर छापी जा रही है जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, बाहर के जो बिजनेस हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। अगर वहाँ के न्यूज़पेपर अगर पढ़ो तो पता चल जाएगा कि उनके बोनस वगैरह दिया जा रहा है, उनको सैलरी बढ़ाया जा रहा है, उनके लोगों को हायर किया जा रहा है, ये सारे वहाँ पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी बढ़ता जा रहा। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो छोड़ के भारत आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं बहुत सारे। मैं आपको बता दूँ भारत ताइवान के जो लैपटॉप बनाने वाले कंपनी वो भारत में आ रहे हैं और डिक्सन टेक्नोलॉजी को लगभग जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि एसर ने लगभग 5 लाख लैपटॉप बनाने की कैपेसिटी लगभग डिक्सन को दिया। अब आज के डेट में आज जनवरी में मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर 2 जनवरी को, तो अब यहाँ पर लेनोवो भी आ चुकी है भारत में, लेनोवो भी आ चुकी है। वेदांता के पास पैसा बहुत है और प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। जो प्लेज है आप उसको मत देखो, इग्नोर कीजिए, ठीक है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डीमैट अकाउंट इंजन में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं भाई, यहां पर जो डीमैट चार्जेस वगैरह हैं डीमैट अकाउंट तो फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।